Hey guys, welcome back to my channel. So friends, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं which is the best smartphone under 25,000. So friends, वीडियो बहुत ही amazing and interesting होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें. तो चलिए फ्रेंड्स, मीडिया इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट पर हमारा जो सबसे पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आया है वो है IQ की तरफ से, जो कि IQ 3. अगर फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 860. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन के कैमरा के बारे में बात करें, इसमें चार कैमरा यूज हुआ है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल और साथ में 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का तीन और कैमरा यूज हुआ है. सो फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाती है. साथ में अगर बैटरी की बात करें, इसमें 5160mAh की बैटरी देखने को मिलता है, जो कि आता है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ. ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले सुपर एमोलेड मिल रहा है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह से गेमिंग खेल सकते हो. ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है. डिजाइन के मामले में, लुक्स के मामले में आप इस फोन को अंडर 25,000 में परचेस कर सकते हो. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर बात करें सेकंड नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है मोटो की तरफ से, जो कि मोटो G5G. सो फ्रेंड्स हम अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 750G. और फ्रेंड्स हम अगर इस फोन की कैमरा के बारे में बात करें, इसमें आपको तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 14 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का और दो कैमरा देखने को मिल जाती है. और फ्रेंड्स हम अगर इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें जो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाती है. साथ में हम अगर बैटरी के बारे में बात करें, इसमें 5000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 20 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ. और फ्रेंड्स हम अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है. और इसका जो दो एडवांटेजेस है वो है 5G प्लस आपको Android One देखने को मिल जाती है, इसलिए आप इस फोन को अंडर 25,000 में परचेस कर सकते हो. सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो थर्ड नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो है MI की तरफ से, जो कि है Midea. सो फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि है स्नैपड्रैगन 750G. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की कैमरा के बारे में बात करें, इसका जो रियर कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाती है. साथ में तीन और कैमरा देखने को मिलता है, दो जो कि 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का तीन और कैमरा देखने को मिल जाती है. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाती है. साथ में अगर हम अगर इसकी बैटरी के बारे में बात करें, इसमें जो बैटरी है 4820mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ. और फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ. साथ में आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है. फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, आपको अंडर 25,000 में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, आप इस फोन को अंडर 25,000 में परचेस कर सकते हो. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो है सैमसंग की तरफ से, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी F62. सो फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो है एक्जिनोस की तरफ से, जो कि है एक्जिनोस 9825. सो फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की रियर कैमरा की बात करें, इसमें जो रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है. साथ में 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का तीन और कैमरा देखने को मिल जाती है. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें जो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाती है. साथ में हम अगर इसकी फोन की बैटरी के बारे में बात करें, इसमें 7000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ. और फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ. ओवरऑल लगा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल देखने को मिल जाती है और अच्छा कैमरा देखने को मिल जाती है और सैमसंग की ब्रांड मिलता है, आप इस फोन को अंडर 25,000 में परचेस कर सकते हो. तो फ्रेंड्स इस लिस्ट पे हमारा जो फिफ्थ नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है रेडमी की तरफ से, जो कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स. सो फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की ऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाती है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 732G. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की रियर कैमरा की बात करें, आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का तीन और कैमरा देखने को मिल जाती है. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है और इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स वो 5020mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ. और फ्रेंड्स सामग्री इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है वो 6.67 इंच का
सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, लुक्स के मामले में, डिजाइन के मामले में बहुत ही अच्छा दिखता है। आप इस फोन को अंडर 25,000 में परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहीं पे ही हमारा सारे स्मार्टफोन का लिस्ट खत्म हो गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जाकर आप परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।